प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन क्या है? पहली प्रॉपर्टी है, हमें जो मैथमेटिक्स में दी है चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 35, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, वेरी गुड, 725 डिवाइड बाय 1। अगर हमें कोई भी नंबर होगा जो डिवाइड होगा 1 से, तो नंबर इटसेल्फ आएगा, वो कैसे? और बाकी बचे आंसर पीछे देख के और लगा लेते हैं कॉपी में, ठीक है? वैसा नहीं चलेगा, हमें लॉजिक होनी चाहिए, मैथड्स होनी चाहिए। 751 जो भी नंबर होगा राइट साइड से, साइन ऑफ द डिवीजन ये है, साइन ऑफ द डिवीजन के राइट साइड से जो भी नंबर होगा वो हमें डिवाइजर होता है, डिवाइजर होता है, वन इज डिवाइजर, ये बात याद रखना। और जो भी साइन ऑफ लेफ्ट साइड के साइन से होगा उसको डिविडेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जिसे हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, एग्जैक्ट डिवाइड होगा या नहीं होगा जो भी यहां पे आएगा उसको हम कोशेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोशेंट। और लास्ट में जो बचेगा उसको बोलते हैं रिमाइंडर, चाहे जीरो ही बचे, चाहे टू बचे, थ्री बचे, जो भी बचे उसको बोलते हैं रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल हमें अब ये समझ आया आपको, अब हमें क्वेश्चन है 725 डिवाइड बाय 1, 1 से डिवाइड करना है 725 को, 1 से डिवाइड करना है 1 इंटू 7, 7 ही आएगा तो बचा, नीचे क्या आएगा 2, 1 इंटू 2, 2 ही आएगा, नीचे क्या आएगा 0, यहां आएगा तो नीचे आएगा 5, 1 इंटू 5। तो आप लोगों को पता चला अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे 1 से तो नंबर इटसेल्फ आता है, नंबर इटसेल्फ। ऐसे ही रटा मार के कॉपी पेस्ट करके पीछे से आंसर दे के लगाना फिल इन द ब्लैंक्स में वो नहीं चलेगा, क्योंकि मेथड होना चाहिए पता हमें कैसे आएगा कि नहीं, क्वेश्चन यही आता है कि नहीं, अब समझ आया। अब दूसरा है, अगर हम किसी भी नंबर को, प्रॉपर्टी नंबर 7 बोल रही है, अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे अपने नंबर से अपने, तो नंबर आता है 1, वो कैसे वो भी हम देखेंगे। 3 को डिवाइड करना है 3 से, 3 1 जा 3, तो रिमाइंडर बचा 0, तो क्वेश्चन क्या आया 1, समझ आया। अब उसके बाद अगर हम किसी भी, ये एक्सेप्शनल केस है और ये याद रखना, ये कभी भी आपको एग्जाम में आएगा, अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 है, अगर हम किसी भी नंबर को, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे 0 से, डिवाइड करेंगे 0 से, तो नॉट डिवाइड, क्योंकि 0 से हम डिवाइड, 0 कभी भी डिवाइजर नहीं बन सकता है, 0 कभी भी डिवाइजर नहीं बन सकता। हाँ, 0 को हम डिवाइड करेंगे 72 से, 72 इंटू 0, 0 ही आएगा तो हमें आएगा, लेकिन 0 से हम नहीं कर सकते हैं डिवाइड किसी भी नंबर को, समझ आया? This is the exceptional case, it is not divided. अगर हम कैलकुलेटर पे भी देखेंगे, अगर हम कभी कैलकुलेटर पे भी देंगे 72 डिवाइड बाय 0, वहां पे भी वो दिखाएगा नॉट डिवाइडेड, क्योंकि 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये चार प्रॉपर्टीज थी, चार मैंने बोली लास्ट में, अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, 0 को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो 0 ही आएगा, लेकिन 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद है डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन प्रॉपर्टी नंबर 5, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम में हो रहा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यहां तक समझ आया? ये फार्मूला है, अगर हमें कहीं पे चार नंबर चाहिए डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर, अगर हमें मिसिंग होगा कोई नंबर, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम इस फार्मूला से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्टिविटी 4 में से, पहले हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, आप लिखना क्वेश्चन।
कॉपी-पेस्ट आंसर देख के नहीं लगाना है, लॉजिक चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बोला आप लोगों को वो क्वेश्चन में 1 2 5 4 7 डिवाइड बाई 1, जो प्रॉपर्टी 1 मैंने बोली, अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे 1 से, नंबर इटसेल्फ आता है क्वोशेंट, नंबर इटसेल्फ क्वोशेंट आता है। समझ आया जो मैंने अभी प्रॉपर्टी बोली। अब है क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके चार पार्ट्स है, वो मैंने पढ़ाए स्कूल में भी और 3 पार्ट्स घर पे करना। अब है क्वेश्चन को फाइंड ए नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 गिव्स द क्वोशेंट 22 एंड रिमाइंडर 14। हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2, हमें कोई नंबर है जिसे हम डिवाइड करते हैं किस नंबर से, 35 से, और क्वेश्चन निकलता है वहां पे 22 और रिमाइंडर निकलता है 14। तो आप हमें बताओ डिविडेंड, डिविडेंड कैसे निकालें। तो हमें फार्मूला दी गई है ना न्यूटन एल्गोरिथम में, हम अप्लाई करेंगे वही और पुट द वैल्यूज इन दिस फार्मूला। तो हमने पुट वैल्यू किए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर 35 into 22। पहले हम देखेंगे, पहले दो को हम मत करेंगे, तीनों को 35 into 22। 2 5 10, 1 8, 3 2 6 1 7। अब 2 से ये मत करना, कई बच्चे ये निकालते जाते हैं 2 5 10 यहाँ पे फिर देखते हैं, नहीं वो गलत है, 0 क्रॉस देना है यहाँ पे, 2 5 10, 2 3 6 1 7। तो यहाँ से लेफ्ट राइट साइड से प्लस करना है, 7 + 0 = 7। तो क्या आया 7 7। अब है उसके बाद प्लस 14, वो हम लिखेंगे, उसके साथ हमने अभी कोई टच नहीं किया, तो हम लिखेंगे 770 + 14। अब क्या करना है, प्लस 4 + 0 4 7 + 1 8 7 784। तो डिविडेंड क्या आया हमें 784। समझ आया। अब हम चेक भी कर सकते हैं, वो कैसे चेक करेंगे हम, अगर हमें चेक करना है, लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है इतना ही, हम चेक भी कर सकते हैं। 784 हमें डिविडेंड है ना, है ना डिविडेंड, अब निकालना डिविडेंड 782, डिवाइजर क्या है 35। अब जरा देखेंगे क्या क्वेश्चन और रिमाइंडर सेम आएगा, 35 into 1 35 35। पहले दो ही को करेंगे क्योंकि 3 डिजिट्स को नहीं करेंगे, यहां पे दो ही हैं, दो ही कर को करें, 35 into 1 35 35 into 2 70। बचे कितने 8 और नीचे क्या है 4, ये वाला 35 into 2 फिर से करेंगे 70। तो बचे क्या 4 - 0 4 8 रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे 14 और यहाँ और क्वेश्चन 0। आप समझ आया कैसे हमने किया, हमें कितना ही करना है, लेकिन हमने ये एक्स्ट्रा चेक के लिए किया क्या क्वेश्चन ठीक है हमें या नहीं है। वेरी गुड। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3699 व्हेन डिवाइडेड बाय अ सर्टेन नंबर गिव्स 231 एज अ क्वोशेंट एंड 3 एज अ रिमाइंडर फाइंड द नंबर। हमें बोला जा रहा है 3699 हमें कोई नंबर है उसको डिवाइड किया है किसी नंबर से, वो हमें पता नहीं है, लेकिन उसका क्वोशेंट निकल क्या आया है 231। डिवाइजर हमें पता नहीं है, क्वोशेंट निकल के आया है 231 और रिमाइंडर निकल के आया है 3, रिमाइंडर निकल के आया है 3। वेरी गुड। इतना तो पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, हमने इक्वेशन में पुट वैल्यू किए हैं। अब क्या करना है, अब मैंने जो क्लास में बोला था आप लोगों को, अगर इस साइड प्लस होगा वो कैसे आता है, इस साइड माइनस वन के, और जो माइनस होगा वो प्लस, और जो मल्टीपल में होगा वो डिवाइड कर। अब यहाँ पे प्लस 3 है, वहां इस साइड लेंगे 3699 - 3। समझ आया। और डिवाइजर जो हमें मालूम करना है, और 3 1 2 1 3 अपनी जगह रखेंगे, 3699 - 3 9 - 3 6 9 6 3 3 6 9 6, इतना काफी है। तो और डिवाइजर इनटू 231। अब जो डिवाइड में यहां पे मल्टीपल में है वो यहां आएगा किस में, डिवाइड में 3696 डिवाइड बाय 231। तो निकल के आएगा इसका वैल्यू डिवाइजर जो यहां पे हमें चाहिए। अब हम 231 को डिवाइड, सॉरी 3696 को डिवाइड करेंगे 231 से। यहां पे 3 डिजिट्स हैं, हम 3
तीन डिजिट्स हम क्यों चार लेंगे, हम तीन ही डिजिट्स को कहेंगे क्योंकि हमें इजी होगा। 2, 3, 1, 2, 3, 1 into 2, 3, 2, 2, 3, 2, 6, 2, 4, 3, 6, 9, 9, 1, 8, 6, 3, 3, 3, 2, 1, और अब इससे छोटा बन गया तो हम नीचे लाएंगे ये वाला स्टेप सेकंड में। आप क्या करेंगे जरा 2, 3, 1 into 6 करो, 6, 1 जा 6, 6, 3 जा 18, 1 carry, 6, 2 जा 12 plus 1, 30, तो एग्जैक्ट हुआ 6 से, 2, 3, 1 into 6, 1, 3, 8, 6 और रिमाइंडर 0, तो इसका वैल्यू क्या निकला मल्टीप्लाइड करके 16, क्या डिवाइजर क्या आया हमें 16, क्या आया 16 डिवाइजर, समझ आ गया। अब जो हमने डिवाइड किया इसको वहां पे डिवाइजर को इसका क्वेश्चन निकल के आया 16, तो वो हमारा डिवाइजर है, क्या ये सही है डिवाइजर क्या आया 16, तो आंसर क्या हमें ये भी ढूंढना था डिवाइजर क्या आएगा, डिवाइजर क्या है 16। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द टेबल, एक दो पार्ट में दिखाऊंगा बाकी घर पे करना है क्योंकि वो बहुत इजी है।